बीच, ये तो खत्म हो गया जी था है ना। सर, एस्केप मेन्स अटेम्प्ट तो टू डायरेक्ट डायरेक्ट रूब्रिक भी है, लेकिन हाँ उसको थोड़ा हमको ये समझना है किसी स्ट्रॉन्ग चीज से, स्ट्रॉन्ग पर्सन से, स्ट्रॉन्ग सर सिचुएशन से डर लगता है ना? यस तो इसीलिए वहां से क्या करना चाहता है, एस्केप करना चाहता है, बचना चाहता है, जी सर ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों कंबाइंड है, और हाई जी डिजायर टू फियर ऑन अकाउंट ऑफ, अब जो डर है ना कि मेरे को नुकसान होगा, हाँ रसगुल्ला भी ले लो बस। तो जो डर है सर वो हाई डिजायर टू फियर ऑन अकाउंट ऑफ, जी अब सर जो घर के जो बड़े मेंबर हैं, जो पेरेंट्स हैं या जो भी हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, अगर जी ये फोर्स करेंगे कि नहीं चलो डॉक्टर के पास जाना, हाँ तब तो मुझे जाना ही पड़ेगा जाना ही पड़ेगा, तो क्या करता है, हाइड करता है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, कल चलूंगा, आज तो ठीक है, कल चलता हूँ, ऐसे करके बातों को ये लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, इसके तो हो गया एस्केप अटेम्प्ट टू और हाई डिजायर टू फियर ऑन अकाउंट ऑफ एस्केप सेव वन सेल्फ फ्रॉम द डेंजर वन इज फेसिंग। तो ये हम लोग को शुरू में ऐसे सिखाते थे कि जैसे मान लो किसी ने पत्थर फेंका, अब आपके एकदम नाक के पास आ गया, तो आप कैसे बचोगे, डॉज ये होता है करें एस्केप। हाँ डॉज हाँ ये करें होता है एस्केप। तो जैसे घर वालों ने बोला कि भाई चलना है डॉक्टर को दिखाने जाना है, तो एस्केप करना है, बचना है, तो कैसे करेगा, अचानक से कोई ना कोई बहाना बनाएगा, कुछ ना कुछ बात बोलेगा, ठीक है। तो ये एस्केप है, होम यू होम विल यू एस्केप फ्रॉम होम हु इज इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। यू तो जैसे पत्थर है, यहाँ इसी से बचना है, अब सर जो यस आपके पेरेंट्स ने बोला कि नहीं चलो डॉक्टर को आज तो यस दिखाना ही है, सर आप किससे एस्केप करना चाहते हैं, जो आपके सामने है, जो जी सिचुएशन आपके सामने है, ठीक है ना, पर्सन और सिचुएशन, इसी से एस्केप करना है, ठीक जी है ना। तो इस ढंग से हम लोग को करना है, अटेम्प्ट्स टू, ट्राइज टू, मतलब कोशिश करना, भाग नहीं जा सकते आप, खाली कोशिश करते हैं, एस्केप अटेम्प्ट में क्या, आप कोशिश करते हैं, वहां से भाग नहीं सकते, ठीक है ना। तो ट्राइज टू, हाई डिजायर टू फियर ऑन अकाउंट ऑफ, नॉट टू बी सीन बाई अदर्स, सिचुएशन जो आ गया आपके सामने, अब आपको ऐसा बहाना बनाना है या ऐसी जगह जाके छुप जाना है कि कोई देखे नहीं आप, और बहाना ऐसा बनाना है कि उसके दिमाग से ये बात निकल जाए। निकल जाए हाँ तो हाइड का मतलब क्या है, सामने वाले से बचना, छुप जाना, तो उनके उनके ओपिनियन से अपने आप को छुपाना, हाँ ये हुआ मतलब, ठीक है। जी नॉट टू बी सीन बाई अदर्स, टू अवॉइड द साइट ऑफ अदर्स, ठीक है। ये मतलब कि जैसे देखिए क्लास में कोई बच्चा है, आज पढ़ के नहीं आया, आज उसने कुछ टास्क मिला था वो नहीं किया, हाँ तो कैसे हाइड करेगा, जाना तो है स्कूल, तो यस कैसे हाइड करता है, ये वहां भी लागू होता है, ठीक है ना। हाइड डिजायर टू फियर ऑन अकाउंट ऑफ टैरेंटुला में भी, सर तो ये बच्चे कैसे हाइड करते हैं, अब जैसे देख लिया सिचुएशन में तो पकड़े गए, ठीक है ना, मम्मी ने देख लिया कि बर्तन से कुछ निकाला है, ठीक है ना, तो कैसे सर सिचुएशन से बचना है। तो क्लास में भी ऐसे ही है, किसी लड़के के पीछे ऐसे कर लेना, छुप हाँ जाना है ना, हाँ ये है हाई डिजायर टू फियर ऑन अकाउंट ऑफ। अब टीचर मेरे से, सबसे तो क्वेश्चन हो गया, अब मेरे से पूछेंगे, अब मैं तो याद करके आया नहीं, फंसूंगा, डर भी है, पिटाई हो जाएगी, है ना, पिटाई हो जाएगी, तब उससे बचना है।
तो सिंस द पर्सन फाइंड्स दैट ही इज अनेबल टू फेस द डेंजर ही अवॉइड टू कन्फ्रंट इट और डील विथ इट। देखिए खाली ऐसे नहीं कि आप जाके छुप गए, दीवार के पीछे चले गए या पीछे आ गए। अब बच्चा तो पकड़ा गया, टीचर ने खड़ा कर दिया, हाँ सर ठीक है, अब कैसे बचना है? तो उस सिचुएशन से डील करने के लिए बच्चा क्या बहाना बनाएगा, बोले सर घर में लाइट नहीं था, है ना, हाँ हाँ और मम्मी पापा के साथ हम चले गए थे रिश्तेदारों के यहाँ, है ना। तो हाँ वो सिचुएशन से कैसे डील करना है, ये सब प्रैक्टिकल एग्जांपल है। सर इसमें एक क्वेश्चन पूछूं सर, कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े और स्मार्ट, लाइक मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि निशा गति के लोगों के साथ एक बच्चा है, उस दिन है ना उसका बैच लगा के नहीं गया था वो, और से चेकिंग चालू हो गई, तो उसने क्या किया, किसी के पास स्मार्ट वॉच थी, उससे स्मार्ट वॉच खुलवाई और बोला मैं इसको जमा करने जाता हूँ। प्रिफेक्ट ने पूछा कहाँ जा रहे हो, मैंने वॉच पकड़ी है तो मैं उसको जमा करने जा रहा हूँ। किसी ने उसको नहीं पूछा कि तेरा बैच कहाँ है, लेकिन सबने देखा कि अच्छा अरे वाह इसने तो स्मार्ट वॉच पकड़ी है बच्चे की, तो ये जमा करने जा रहा है स्कूल ऑफिस में। तो जितनी देर वो निकल 15 जो चेक करने वाला टाइम था उसने वो हटा दिया और गया। फिर हाँ वो क्लास में जाके बैठ गया। सर तो ये मैंने हाई डिजायर टू फियर ऑन अकाउंट ऑफ और इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट सर मैंने मैंने एक्चुअली इंटेलिजेंट लिया इसको, इंटेलिजेंट और और ये एक दोनों चीज रूब्रिक जोड़िए, देखिए क्या आ रहा है, हाई डिजायर टू फियर ऑन अकाउंट ऑफ, क्योंकि डील विथ, हाउ टू डील, यस क्या सर करना यस है, कैसे हाँ डील करना है सिचुएशन से, और जो सामने है उससे बचना है। आई डोंट डिजायर आई डोंट सर इंटेलिजेंट और हाई डिजायर टू इंटेलिजेंट फियर ऑन अकाउंट ऑफ, मतलब वहां से हट जाना है, उस सिचुएशन से कैसे डील करना है, ठीक है ना। फ्रॉम हुम विल यू हाइड हु हैज नॉट सीन यू, ठीक है। आप किससे डरना बचना बचना चाहते हैं, यस जिसको जिसको आपको जिसने नहीं देखा। दीज टू रूब्रिक्स आर डिनोटिंग डिफरेंट सिचुएशन। इफ द डेंजर इज बिफोर हिम देर विल बी एन एफर्ट टू फाइंड आउट वेज एंड मीन्स ऑफ अवॉइडिंग इट। जैसे वो लड़के ने किया हाँ है ना, स्मार्ट वॉच ले लिया, फूट लिया वहां से, सर बच गया। हाँ अब से जो सिचुएशन तो ये तरीका है, विदाउट गेटिंग हार्म्ड, बिना हार्म किए हुए वो अपने से बचने का, क्या सिचुएशन से बच गया ना वो लड़का, निकाल लिया ना अपने आप को। कैसे सर निकाला, क्विक डिसीजन, इंटेलिजेंट है, क्विक टू एक्ट, एंड इफ द सर डेंजर इज अहेड एंड सर्टेन टू कम देन देर इज एन ऑफर टू हाइड वन सेल्फ सो दैट ही रिमेन्स अवे फ्रॉम द साइट ऑफ द डेंजर, दैट इज अवे फ्रॉम द बींग डिटेक्टेड। ये है सिचुएशन, देखिए उस बच्चे का यस आपको आंसर भी मिल गया, ठीक है ना, समझ रहे डॉक्टर साहब, समझ गए आपका सर, दिमाग समझ रहे हाँ ना, समझ रहा हूँ सर, हाँ कि हम देखिए हमारे घर में ही लीजिए ना, छोड़ दीजिए बाहर का सिचुएशन, अगर बच्चे ने कुछ गलत कर दिया या हमने भी गलत किया तो हम कैसे बचने का कोशिश करते हैं, है ना, या तो हम उसको अवॉइड करते हैं या कुछ तो बहाना बनाते हैं कि वो सिचुएशन से हमारा सामना ना हो, क्योंकि जी सर सामने डेंजर है, गड़बड़ होने वाला, ठीक। सर तो एक मिनट उस सर सर इसमें हाइट डिजायर टू फियर ऑन अकाउंट ऑफ सर ये रूब्रिक मुझे मिल नहीं रहा है। हाँ अरे सर मैंने हाइट डाल के भी सर्च कर लिया अब तो। हाँ देखिए देखिए डॉक्टर साहब, एक, हाँ एक मिनट एक मिनट, देखिएगा सर लैपटॉप में प्लीज। देखिए, एक मिनट हाँ एक उसमें देख लीजिए, पहली पटरी में, काली पटरी में देख रहा हूँ, जी
ये ना इसमें है सर, इसमें हाइड, हाइडिंग डिजायर टू नहीं, हाइडिंग हिमसेल्फ, फियर ओ फियर ऑन अकाउंट फियर ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ हाइडिंग हिमसेल्फ, हाइडिंग हिमसेल्फ फियर, ये है ये रूब्रिक है सर। एक मिनट सर, पर मुझे तो रिपोर्ट्री में मिल ही नहीं रहा है। हाइडिंग में जाइए, हाइडिंग में जाइए, हिमसेल्फ के बाद ना, हिमसेल्फ के हिमसेल्फ में नीचे आइएगा तो फियर ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ। यस सर, यस सर, यस सर, अब मिला सर। हाइडिंग हिमसेल्फ फियर ऑन अकाउंट ऑफ, राइट सर। बैलेडोना, लाइकोपोडियम, कैल्केरिया और साइलेशिया। इसमें ये एक्चुअल में लाइकोपोडियम जो पेशेंट है ना, ये लाइकोपोडियम का पेशेंट है ये। मुझे लाइकोपोडियम में लगा सर, क्यों? क्योंकि है ना वो बहुत कैलकुलेटिव है, ही नोज व्हाट आर द रिस्क्स, तो उसने फटाक से इंटेलिजेंसी से अपना कैलकुलेशन किया कि आई कैन बी सेबोटाज। तो उसने इतना ट्रिक, बेलोडोना तो नाइव होता है सर, वो ऐसे छोटा मोटा काम करके वो फंस जाता, वो फंस जाता, फंस जाएगा, वो फंस ये नहीं फंसेगा, ये नहीं फंसता, ये बच जाएगा, वही इंटेलिजेंट है, लाइकोपोडियम इंटेलिजेंट भी है, ठीक है, बेलाडोना इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है। तो दोनों रिपर्टराइज करिए, क्या मेडिसिन आ रहा है डॉक्टर साहब? बेलाडोना, लाइकोपोडियम, कैल्केरिया और साइलेशिया। इंटेलिजेंट जोड़ेंगे तब, हाँ इंटेलिजेंट जोड़ेंगे तो सर इसमें वही आ जाएगी, एक ही मेडिसिन आती है, मैं इंटेलिजेंट लाइकोपोडियम आ रही है, क्योंकि इसमें जो इंटेलिजेंट है ना, इसमें इंटेलिजेंट में कार्सिनोसिन है और लाइकोपोडियम है, दोनों को तो लाइकोपोडियम से। सर इंटेलिजेंट यदि हम चिल्ड्रन भी ले लेते हैं सर, तो यही चारों मेडिसिन सबसे टॉप पे, बेलडोना, कैल्केरिया, लैकेसिस, साइलेशिया और सल्फर। तो सर आएगी तो ये दोनों ही, दो मतलब ये बेलडोना, लाइकोपोडियम, कैल्केरिया, साइलेशिया आएगी तो ये चारों ही, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटिंग सिम्टम ये है कि द वे ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ, बेलडोना इज नॉट दैट स्मार्ट, लाइकोपोडियम इज वेरी, हाँ लाइकोपोडियम इज वेरी स्मार्ट, वो सिचुएशन फटाफट क्विक टू एक्ट है, वो एकदम ग्रास्प करता है सिचुएशन और पहुंच जाता है उसके निष्कर्ष पे। बेलाडोना को मोमेंट लगता है उसको प्रोसेस करने में, वो फिर नेकेड हो जाएगा तुरंत, हाँ बस यही है उसमें। नहीं तो फिर लेकिन सल्फर क्यों नहीं दे सकते हम? देखो सल्फर भी तो दे सकते हैं ना सर यहाँ पे। सर सल्फर वो नहीं है, हाइडिंग सल्फर अपने इंटेलिजेंट है, वो फिलोसफी बातों में, सल्फर जो है ना इंटेलिजेंट, अपना इंटेलेक्ट यूज करता है फिलोसफी के बातों में, पढ़े लिखे बातों में, ठीक है, दुनिया की भलाई में। सर यहाँ पे वो आदमी सही काम नहीं कर रहा है, वो बच्चा सही काम नहीं कर रहा है। सही काम होता सर कि वो सरेंडर कर देता, मतलब पकड़ा जाता तो पकड़ा जाता है, वो सही काम नहीं कर रहा है। लाइकोपोडियम में वो कनिंगनेस है, तो मैंने एक्चुअली कनिंग वर्ड ही यूज किया था उसके लिए, वो कनिंग है, समझ गए डॉक्टर साहब? ठीक है ठीक है, कनिंग होता है जो अपने फायदे के लिए दूसरे के सर पे पैर रख दे, हाँ बिल्कुल ठीक है, पैर पे उसके सर पे रख के छत पे चढ़ जाए, और डोमिनेंट तो रहता ही है सर, वो भी डोमिनेंट भी रहता है ना सर, हाँ पावर लव है, पावर लव है, जो इंटेलिजेंट होगा वो डोमिनेंट भी होगा 100%। नहीं ऐसा नहीं है, डोमिनेंट नहीं है, बिल्कुल सर ऐसा नहीं है सर, मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों को मैंने बहुत ज्यादा विनम्र देखा है। अभी मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी, दो आदमी थे अपनी बेटियों को एग्जाम में, 12th के एग्जाम में छाता लेके, और नीट इसका नीट का या जेई का एग्जाम में छाता लेके छोड़ने आए, धूप बहुत थी, तो उसमें था कि ये दोनों कौन है, तो बोले आम पिताजी है ये, और जैसे ही वो उस प्रमाइसेस से बाहर होते हैं, तो एक होता है एचओडी फिजिक्स डीएवी में, और एक होता है साइंटिस्ट किसी गवर्नमेंट फर्म में, मैं भूल गई किसमें था, तो दिस इज सिंप्लिसिटी ऑफ इंटेलिजेंट पीपल, उनको पता है वो कितने जमीन पे हैं, ठीक है, विद्या ददाति विनयम, इसीलिए बना था ये वो कि विद्या विनय सिखाती है, ठीक है ना, अभी समझ गए डॉक्टर साहब? लाइको का जो इंटेलिजेंट है ना वो कनिंग है, ठीक है, कनिंग अपने फायदे का काम करता है,
अपना इंटेलिजेंस यूज करता है अपने फायदे के लिए, बिल्कुल ठीक है ठीक है। चलिए, ठीक है सुसाइडल पेन फ्रॉम बेलेड होने का पेशेंट जनरली ऐसे बोलता है, डॉक्टर साहब ये दर्द से ना डॉक्टर साहब अच्छे मर जाते, मर जाना जाना, ठीक है। हियर द फियर इज एट इट्स पीक, अब ये सिचुएशन से तकलीफ से बचना चाहता है, एस्केप करना चाहता है, लेकिन जब क्या होता है इतना ज्यादा तकलीफ हो जाती है कि बस अब जीने का इच्छा नहीं। अभी मैं अपने मामा के यहाँ गया था, तो मामा मतलब इशारा से मेरे को बोले बच और जिंदा रहने का मन नहीं कर रहा, इतना कष्ट है, ठीक है, ऐसे बोला एकदम। जो आवाज भी नहीं था उसमें, ठीक है, लेकिन अच्छा आवाज दे रहा था, ये है सुसाइडल पेन, डेथ डिजायर एंग्विश फ्रॉम, ठीक है। द पेन आर सो सीवियर दैट दे हैव ए फ्राइटनिंग इफेक्ट ऑन हिज माइंड। देखिए फ्राइटनिंग इजिली, पहला वाला रूब्रिक यहाँ पे है, क्यों करता है, इतना सीवियर है ये दर्द कि उसके दिमाग पे ना एकदम से घबराहट पैदा कर देता है, डर पैदा कर देता है अचानक से, ठीक है। तो ये है सुसाइडल पेन। देयरफॉर द आइडिया ऑफ इनक्यूरेबिलिटी ऑफ द डिजीज इंटर्स द माइंड। अब उनको लगता है, जैसे मेरे मामा का ही देखा, अब ठीक नहीं होगा बेटा, ऐसे बोले मेरे को, अब ठीक नहीं होगा, मरने के बाद ही साथे जाएगा, ऐसे बोल, ठीक है। वो आइडिया आ जाता है कि अब ये ठीक होने लगे। नहीं है। और मेरे मामा का प्रोस्टेट प्रोस्टेट इतना बड़ा हो गया था करीब 1.5 साल पहले, ओह उनको तुरंत इमीडिएट ऑपरेशन के लिए बोला था, तो मेरे को ओहो फोन किया, मैं बोला, पूछा थोड़ा रूब्रिक वगैरह लेके, उनको एकोनाइट दिया था जी सर। कट्टी, और वो अभी तक ठीक है। ओह 3-4 दिन पहले फोन किए कि रात से ना मेरे को 60 बार मैं पेशाब गया, 60 टाइम्स सुबह फोन के 9 बजे करीब। हाँ, तो मैं बोला, मैं भाई था उधर ही, मेरा भाई, मैं बोला घर में दवाई है ये वाला, बोला हाँ है, दे दो, सर क्या दे दिया, दिया ठीक है। आपने? पहले तो एको नाइट दिया था, 1.5 साल हुए, 30 पे ही चले, दोबारा नहीं देना पड़ा, 1.5 साल से एकदम बढ़िया थे, कोई दिक्कत नहीं। हम तो बोले जान निकल जाता है पेशाब करते से, वही मैंने बोला ना, डिल्यूजन डाई अबाउट टू डाई सी वाज डिलीवरी ड्यूरिंग, आप यूरिन पास कर रहे तो डिलीवरी कर रहे ना। हाँ सही कह रहे हैं सर। है कि नहीं, जी सर। को नाइट है उसमें। तो ये जो हम लोग एक मतलब एक सेंटेंस में बोलते हैं ना, पेन लीड्स टू डेथ, तो ये वाला रूब्रिक है वहां पे, ठीक है। तो अभी आपने 200 दिया या 30 ही रिपीट किया सर? एको नाइट नहीं दिया उनको, तो सर अभी जब बोले ना कि 60 बार कर चुका हूँ पेशाब रात से अभी तक, तो 60 टाइम बोल रहे ना, वो एक्स्ट्रा वेगेंस हो रहा है उनके लिए। ओपीएम, हाँ ठीक है, ओपीएम दिया, वो अभी 3 दिन से फोन नहीं किया, तकलीफ होती फोन करेंगे, ठीक है ना। अच्छा सर, है सर, हम ओपीएम, एकोनाइट, बेलोडोना ये देने लगे हैं, अभी क्या होता है पेशेंट मुझे आके खुद बोलता रहे आपने कैंथेरिस नहीं दिया मुझे। बोलेगा ठीक है कैंथेरिस ही दे दूंगा, तो मैं उसको स्वाद क्या होता है कैंथेरिस ही दिया सर, कैंथेरिस वाला ना, कैंथेरिस कम आने लगा है अब रेपर्टराइजेशन में। हेल कंडीशन होती है कैंथेरिस, डिल्यूजन हेल ही इज इन, डिल्यूजन हेल ही इज इन, और टेलीरियम क्राइंग फॉर हेल्प। सर फिर श्रिकिंग फॉर हेल्प और हेल कंडीशन ही इज, इसमें इसमें डिफरेंस क्या आएगा सर? श्रीक में क्या प्लैटिनम होता में है, हाँ श्रीक
में क्या होता है, आपको अच्छा नहीं लगता है, चीखता चिल्लाता है, हाँ चीखता आपको चिल्लाता है सुनने अच्छा नहीं लगता, कान में सुनने में अच्छा नहीं डिलीरियम लगता क्राइंग फॉर हेल्प में है। हाँ आपको कैसा लगता है? अरे यार दया आती है सामने दया वाले। आती, हाँ ठीक है। ये क्राइंग ओके फॉर हेल्प, रो के मांग रहा है आपसे हेल्प, और ओके सीकिंग हेल्प फॉर, रो के नहीं मांग रहा, चीख के चिल्ला के। वो चीख के चिल्ला के नहीं, वो इस ढंग से बोलेगा ना कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा आप उसका जो बोलने का तरीका है ना वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा राइट सर। ठीक सर ये जो आपने है ये बताया था ना सब सर, डिल्यूजन सर डाई अबाउट टू डाई डिलीवरी ड्यूरिंग, ये हाँ बताया था डिलीवरी ड्यूरिंग है सर, हाँ डिलीवरी हाँ इसमें क्यों सर, था लिखा? उसमें एकोनाइट सिंगल मेडिसिन है ना सर। डिल्यूजन डाई अबाउट टू अच्छा डाई सी वाज डिलीवरी ड्यूरिंग, शी वाज, अच्छा शी हाँ वाज, वन वॉज है सर, वन वॉज वन वाज, डिल्यूजन डाई हाँ अबाउट टू डाई, वन वॉज डिलीवरी ड्यूरिंग। हाँ ठीक है। ठीक चलिए अब हम लोग इसी पे आ जाते हैं, सुसाइडल पेन फ्रॉम, देन ही थिंक्स इन टर्म्स ऑफ प्रेफरिंग टू एंड द एंड हिज लाइफ। अब मैं मामा का ही केस बता रहा हूं, उन्होंने बोला अब जीने का मन नहीं करता, बहुत तकलीफ है, ऐसा ये है सुसाइडल पेन फ्रॉम। अब बोल रहे ना कि मैं सुसाइड, कोई दवाई दे दो सुसाइड करने लायक, फिर खा के मैं सो जाऊं, है ना। तो बट देन ही थिंक्स इन टर्म्स ऑफ प्रेफरिंग टू एंड हिज लाइफ, इस तकलीफ से, इस दर्द से, इस सिचुएशन से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मर डिलूजन डाई जाऊं। सी मस्त नहीं है, ठीक है ना, नहीं ये डाई सी मस्त नहीं है, ये तो लोग लगा पिटीज देते हैं, हिमसेल्फ है, ये तो पिटीज हिमसेल्फ है। इट इज हिमसेल्फ, ठीक है। ये दोनों लगा के देखिए तो, सुसाइडल पेन फ्रॉम और पीट इज हिमसेल्फ, सुसाइडल पेन फ्रॉम और पिटीज हिमसेल्फ। सर ऑरम मोर नैट कार्सिनोसिन लेकेसिस और आ रही है, बेलाडोन ठीक है ना। है नीचे है। ठीक है सुसाइडल डिस्पोजिशन में यहाँ दे रखा है सर फ्रॉम पेन फ्रॉम, लेकिन रूब्रिक के अंडर बेलाडोना नहीं है सर। हाँ सुसाइडल पेन फ्रॉम में ना, बेलाडोना नहीं है, यही मैंने अभी देखा कि इसमें बेल तो है ही नहीं। नहीं बेल है सर, तो फिर ये रेपोर्टराइजेशन में क्यों नहीं पकड़ रहा है, या पिटीज हिमसेल्फ में नहीं होगी। इट इज हिमसेल्फ में नहीं होगा। सर हाँ पिटीज हिमसेल्फ में नहीं है, क्योंकि ये उतना इंटेलिजेंट तो होता है कि अपने आप पे दया नहीं खाता है। नाइव है, भोला भंडारी है, छोड़ देता, लेकिन हाँ छोड़ देता है, छोड़ दया देता नहीं है। खाता हाँ मतलब छोड़ देता है, छोड़ ठीक देता है। है। बट इफ ही इज टोल्ड दिस इज एन ऑर्डिनरी पेन, देन ही सेज दैट ही विल बी रेडी टू बियर इट। बेलाडोना के साथ क्या होता है ना, आप उसके माइंड को डाइवर्ट कर दीजिए। ओके सर। बच्चों के सिचुएशन में क्या होता है, बच्चा रो रहा है रो रहा है, अब वो चुप ही नहीं हो रहा है, तो आप उसको क्या करते हैं, गोद में उठा के बाहर ले जाते हैं, ये देखो बस जा रही है, ये देखो कार जा रही है, ये देखो साइकिल जा रही है। तो उस सिचुएशन में जो अभी जिस कारण से वो रो रहा था, वहां से उसका माइंड कहाँ चला गया, दूसरी जगह चला, तो वो चुप हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है, अगर बेलाडोना के पेशेंट को आप बोलेंगे अरे ये तो नॉर्मल बात है, तो बोलेगा ठीक है डॉक्टर साहब तब तो मैं बियर कर लूंगा। जैसे आप उसके दिमाग को डाइवर्ट करते हैं ना, तो वो उसको लगता है कि चलो यार कोई बात नहीं, थोड़ा सा बियर कर लेंगे, ठीक है। बियर इट प्रोवाइडेड द पेन डज नॉट अकर फ्रीक्वेंटली। बेलाडोना को क्या होता है ना, अरे एक दो दिन बाद, 4 दिन बाद पेन हुआ तो ठीक है, ये सारे हमेशा पेन थोड़ी थोड़ी देर पे दर्द हो रहा है, आधा घंटा पे, 1 घंटा पे, ये नहीं होना चाहिए,
क्योंकि उसका जो फ्रीडम है ना वो रिस्ट्रिक्ट हो, हाँ वो छिन रहा है। ठीक है, ही कैन बियर इट इफ ही इज एश्योर दैट इट विल गो इन ए डे और टू। ये अगर आप उसको कैरेज ले जाए तो भी फास्ट। अब बोलेंगे अरे यार आज ही ठीक हो, शाम तक ठीक हो जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो। ठीक है डॉक्टर साहब, तब तो थोड़ा मैं बर्दाश्त कर लूंगा, ठीक है ना। चल यस अब फियर डार्क ऑफ, इतना सारा सिचुएशन हो गया सुसाइडल में भी, आपने क्या किया, सर, ब्लड होना को डाइवर्ट करना पड़ता है। अरे यार ये सब करना कुछ नहीं है, आज शाम तक ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, तुम्हारा ये दवाई खाओ ना। यस सर। ठीक, द एक्चुअल एक्सटेंट ऑफ दिस फियर इज द इग्नोरेंस अबाउट इट्स रियल वॉल्यूम कैपेसिटी एंड स्ट्रेंथ। द एक्चुअल एक्सटेंट ऑफ दिस फियर इज द इग्नोरेंस अबाउट इट्स रियल वॉल्यूम। एक्चुअली उसको पता नहीं था कि ये कितना खतरनाक है। क्यों? क्योंकि नए भाई फ्रीबुलस है, ध्यान ही नहीं दे रहा ना, ये पेट का दर्द क्यों इतना खतरनाक है, ये तो पता ही नहीं था ना उसको। ठीक, उसको उसका मतलब उसका इंटेंसिटी पता नहीं है। देयर फॉर द आइडिया ऑफ एक्यूरेबिलिटी ऑफ द डिजीज इंटर्स द माइंड। अब जब एकदम से फ्रिक्वेंट हो रहा है, बार बार हो रहा है, तब तो उसको लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो खतरनाक है। ठीक है, बेलाडोना को जब वो फ्रीक्वेंट हो जाता है ना, तब उसको लगने लगता है कि ये कुछ तो खतरनाक है। देखा, देन ही थिंक्स इन टर्म्स ऑफ प्रेफरिंग टू एंड ही नहीं, देन हियर वी कैन एड अनदर रूब्रिक लाइट डिजायर। उसका कैपेसिटी और स्ट्रेंथ उसको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे वो गड़बड़ होने लगा ना, ज्यादा फ्रिक्वेंटली होने लगा, तब उसको लगा कि नहीं यार कुछ तो बात है, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक, लेकिन सर जैसे जब वो कह रहा है कि जब उसको पता नहीं था कि उसकी वॉल्यूम कैपेसिटी स्ट्रेंथ क्या थी, वो कहता है हियर वी कैन ऐड अनदर रूब्रिक लाइट डिजायर फॉर। वो करेंगे करेंगे अभी, वो अच्छा तो अच्छा ठीक करेंगे ना। लाइट डिजायर और फियर डार्क एक साथ चलता है डॉक्टर। कोई भी आदमी डार्क में है, अंधेरे में है, तो उजाला ढूंढेगा ना। हाँ ये तो है। तो वही चीज है, यहाँ पे दोनों को मिलाना है। ठीक है, तो ही क्वेश्चन विल बी इज माई डिजीज डेंजरस। डॉक्टर कोई खतरनाक तो नहीं है, मेरा तकलीफ है, पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा है मेरा, कुछ खतरनाक बात तो नहीं है। ठीक है ना, समझ गए। हाँ वो इसीलिए लाइट डिजायर में है क्योंकि वो सिर्फ कंफर्म करने आया है आपके पास और रीकंफर्म करने आया है आपके पास कि वो कहीं खतरे में तो नहीं है। वो खतरे में तो नहीं है, ठीक है, और ये ठीक हो जाएगा। ये दो ठीक हो क्वेश्चन जाएगा हमेशा जो बेला डोना का भी रहता है, होगा। तो कोई खतरा तो नहीं है, और ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक होता है ना ऐसा। इसके पीछे क्या है कि डार्क सिचुएशन उसको लग रहा है, वो जो फियर डार्क वाली कंडीशन है, खराब वाली कंडीशन है, जिसकी उसको जानकारी नहीं है, उसके लिए वो आपसे पूछने आया है कि डॉक्टर साहब ये डेंजरस तो नहीं है और ठीक हो जाता है ना। ये बेलाडोना का ये दो सेंटेंस आपको मिले ना, तो आप इजिली पहुंच सकते हैं बेलाडोना पे। और बोलता ही है बेलाडोना का पेशेंट, हाँ बोलते ही है सर, सही कह रहे ठीक हैं है। आप। हम मिस कर जाते अलग बातें, पर आप जो भी बोल हाँ रहे हैं वो बहुत ये दो रिलेटेड। सेंटेंस को याद रखिए, इज जी माई सर। डिजीज डेंजरस, बहुत डॉक्टर ही मेरा ये रिमार्केबल है वैसे, खतरनाक, ये कभी इस चीज को ध्यान नहीं दिया। हाँ ये मेरी बीमारी खतरनाक तो नहीं है, खतरनाक है क्या डॉक्टर साहब, और ठीक हो जाता है ना। ये दो सेंटेंस होना चाहिए, हम ना इसको क्यूरियस में ले लेते हैं, एक्चुअली में गलत कर लेते हैं। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा समझेंगे ना हम लोग। एंड टेरिफाइड एज ही विल कम टू यू अगेन टू गेट कंफर्म दैट देर इज नथिंग रॉन्ग विथ हिम एंड दैट ही विल बी ओके।
ठीक है, जैसे ही आप दवा वगैरह दे देंगे ना, फिर आएगा पूछने आपसे, डॉक्टर साहब ठीक हो जाएगा ना, है ऐसे आराम से पूछेगा, डॉक्टर साहब ये दवा इससे खाने से ठीक हो जाएगा ना, और दवा देंगे क्या, इस तरह का क्वेश्चन करता है बिल्कुल कंफर्म होने के लिए। क्यों? उसके दिमाग में कहीं पीछे में डार्क सिचुएशन है, वो खतरा का डर उसके दिमाग में बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। ठीक है, इसीलिए आपसे पूछ रहा है कि ये खतरनाक बीमारी तो नहीं है, डॉक्टर साहब ठीक हो जाता है ना, समझ गए, ये इसीलिए यहाँ पे लाइट डिजायर दिया गया, क्योंकि डार्क के साथ हमेशा हर कोई, जिसको अंधेरे में आप रख देंगे वो उजाले में आना चाहेगा, नहीं है क्या? सर। ठीक है ना, हाँ सर। ठीक और हाँ और कुछ नहीं नहीं नहीं, नहीं सर, मैं कुछ थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी कि सर जैसे इसमें है कि क्या मेरी बीमारी खतरनाक तो नहीं है, लेकिन सर ये इंक्विजिटिव उसमें भी होगा, फिर शायद टोन का डिफरेंस पकड़ना पड़ेगा। टोन का डिफरेंस, हाउ ही सेज, ठीक है, तो बेलाटोना वाला ऐसा थोड़ी पूछेगा, नो सर कहीं कोई खतरा वाला बीमारी तो नहीं है, आपको दिखेगा, बोले डॉक्टर साहब ये कहीं खतरनाक तो नहीं है, ठीक हो जाएगा ना, हंसता ओके हुआ हमेशा चेहरे पे मुस्कान लेके बेलाटोना सर। पूछे, क्योंकि वो लाइट में रहना चाहता है, हल्के में रहना चाहता है, राइट सर। एकदम अपने आप सर पे बोझ लेना नहीं चाहता है, इसलिए वो ये दो क्वेश्चन करता है, ये डेंजरस है क्या डॉक्टर, ठीक हो हाँ जाएगा ना, बस स्ट्रोनियम वाला क्या पूछेगा, डॉक्टर साहब कहीं अंदर से कुछ खराबी तो नहीं हो गया है, डॉक्टर साहब मेरे को ठीक कर दो, बस ये बोलेगा नहीं कि मेरे को ठीक कर दो, ठीक हो राइट जाता है सर। ना, हाँ मुस्कुराते हुए डॉक्टर साहब ठीक हो जाएगा ना, ये क्वेश्चन फॉर्म करेगा और वो भीख मांगेगा कि प्लीज मुझे ठीक कर दो। हाँ वो दिखेगा आपको कि कितना डरा हुआ है, ठीक है, चलिए 10th स्टेज में आ गए हम लोग। सर ये हम कल करें, थोड़ा सा ये पढ़ूंगी हाँ सर मैं दोबारा क्या डॉक्टर साहब, नेक्स्ट। हाँ हाँ कोई बात नहीं सर, तो धीरे धीरे चलेंगे रात सर, में, रात में मेरे करीब 11-12 बजे मेरा पूरा गैस हो गया इधर भयंकर, ओ फिर से सर। फिर नींद नहीं आ रही है मेरे को, इतना भयंकर हुआ कि मैं उठ के बैठ गया, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मेरा वही 0/1 OPM रखा हूँ मैं फ्रिज में ही, हाँ दो ड्रॉप डाला, और तो 5-10 मिनट में आराम जैसा लगने लगा तो मैं सो गया, फिर करीब 2:30-3 बजे फिर वैसा हुआ, ठीक है, तो फिर खा के सो गया, सो गया तो 6 बजे उठा, 5:30 में उठा, 5 बजे नींद खुल गई थी, और मैं सोचा यार रात भर जगा हूं तो सोए रहते, तो थोड़ा ऐसे रोज सोया हुआ था, जगा ही हुआ था, तो मस ऐसे पड़ा रहा, यहाँ पे बारिश हो रही है तो ठंडा है मौसम, तो फैन चला के अपना आराम से पड़े रहो, तो उसके बाद उठा मैंने, बाकी सब काम वाम किया ना हुआ के, फिर मैं सोचा एक बार खा लेता हूँ, खा लिया, थोड़ा थोड़ा अभी भी है, हाँ तो मैं सत्तू पिया हूँ और अभी रोटी खाऊंगा, खाऊं कि नहीं खाऊं, सर खाइएगा, जरूर खाइएगा, जब गैस बनती है तो जरूर खाना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन सर उसमें कोई भी एक प्रोबायोटिक ऐड कर लीजिएगा, मतलब दही हुआ, छाछ हुआ, कोई भी किसी भी तरीके का प्रोबायोटिक, या कांजी हुई। रसगुल्ला नहीं सर, रसगुल्ला तो फिर रसगुल्ला एसिडिटी किल करने में काम दे। मैं अभी वही निकाल खरीद के लाया, नहीं सफेद रसगुल्ला वाला तो यहाँ बड़ा, एसिडिटी, हाँ एसिडिटी आपके, पर वो खाना खाने के बाद लीजिएगा। लेकिन ये जो है मतलब दही छाछ या कुछ भी, कोई भी दही प्रोबायोटिक जैसे कांजी हुई या कुछ भी, वो साथ में जरूर लीजिएगा तो खाना रोटी, डाइजेस्ट इजीली होगा। हाँ दही रोटी ले लीजिएगा, दही रोटी खा लेते हैं, उसमें क्यूकम्बर डाल लेंगे तो और भी अच्छा है सर। क्यूकम्बर, ब्लैक क्या पेपर, डाल और देंगे, क्यूकम्बर अच्छा खीरा, उसके ठीक, अंदर ब्लैक मेरे को पेपर चबाने में ना दिक्कत होता है, हो रही है सर। ओके कोई बात नहीं चबाने में सर। दिक्कत,
कोई बात नहीं सर, ठीक है चलिए। तो रात में तो एकदम सो ही नहीं पा रहा था मैं, इतना पहले वो जो फर्स्ट टाइम हुआ था ना उसी टाइम का हो गया, हाँ तो वापस मैं हो वो गया। ओपीएम ले लिया उस रात में मछली खाई दोपहर होगी, रात में मछली खाई होगी आपने सर? में खाया था हाँ तो सर। वो फर्मेंटेशन हो गया ना सर। हाँ हाँ उसी से हाँ हुआ। अभी अभी आप फर्मेंटेशन। नॉन वेज वो बिल्कुल नहीं लीजिए सर, हाँ बरसात बरसात में उसमें मत खाइए, भी बरसात में मत खाइए। नहीं, नहीं उसमें भी वो प्रॉन्स खाया था, झींगा। ओ वो अच्छा, तो सबसे बहुत गर्म खतरनाक होता। हाँ है। बहुत हाँ गर्म वो होता, सबसे खतरनाक बहुत है। गर्म। ठीक ठीक है चले। ओके नमस्ते सर।